तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम उम्मीद कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली लेके आ चुके हैं हम 2024 मॉडल हीरो की एक्सट्रीम 125R वर्सेस बजाज की रिसेंट लॉन्च हुई पल्सर एन 125cc। तो गाइस, इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों का जो कंपटीशन होने वाला है ना मार्केट में, इंडियन मार्केट में, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें, दोनों ही बाइक 125cc की बिलोंग करती है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट मिलता है फीचर्स वाइज, प्राइस वाइज, माइलेज वाइज। तो आज हम दोनों का आपको कंपेरिजन करके बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स डिफरेंट मिलता है, कितना माइलेज देखने को मिलेगी और साथ ही साथ कितना आपको दोनों की प्राइस देखने को मिल जाती है। तो गाइज, अगर आप लोग इस दिवाली धनतेरस में 125 सेगमेंट की कोई बाइक लेने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक दोनों बाइकों के बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज अपने तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन दोनों के लुक के बारे में, तो गाइज लुक को लेके ना बहुत ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग क्या से क्या बोल रहे हैं। तो गाइज, एक चीज आपको बता दें कि अगर हम एक्सट्रीम की बात करते हैं ना, तो एक्सट्रीम का जो लुक मिलता है ना, टॉप नॉच मिलती है, देखने में काफी स्पोर्टी, एक अलग ही फील होता है इसे देखने में। ऐसा लगता है नहीं कि 125cc की बाइक एक स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक लगती, जो कि देखने में काफी प्रीमियम, काफी अट्रेक्टिव लगती है। लेकिन अगर हम वहीं आते हैं बजाज की पल्सर एन 125cc पे, तो गाइज इसका जो लुक है ना, इसके लुक को लेके बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो आपको एक चीज बता दें, इस बाइक का जो लुक है ना, उतना ज्यादा तो बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, इसका जो डिजाइन दिया गया है ना, अगर आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा, मतलब जैसे कि कहते हैं एडवेंचर वाला लुक नहीं मिलता, उस टाइप में इसका लुक मिलता है। देखने में काफी प्यारी लगती है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा यार। इस बाइक का जो डिजाइन दिया गया ना, थोड़ा सा फ्रेश और बिल्कुल नया डिजाइन मिलता है। तो आप लोग बताना कि अगर आप लोग इसे ध्यान से देखोगे ना, तो ऐसा थोड़ा सा फील आने वाला ना कि 125cc में ये एडवेंचर बाइक है। क्योंकि इसका जो फ्रंट लुक देख रहे हैं ना आप लोग, को थोड़ा सा जो फ्रंट हेडलैम्प और कहते हैं टायर के बीच में आपको जो गैपिंग मिलती है ना, आपको जैसे थोड़ा सा एडवेंचरर वाला फील देने वाला है। तो अगर आप लोग के एडवेंचरर वाला लुक चाहिए ना, तो आप लोग इस बाइक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो लुक है ना, अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। लेकिन अगर आप हमसे पूछते हैं ना, तो एक्सट्रीम 125cc का जो लुक है ना, एक नंबर लगता है देखने में, ना एक अट्रेक्टिव लगती है। लेकिन इसका भी लुक थोड़ा सा एडवेंचरर वाला फील आता है। मुझे एडवेंचर बाइक नहीं पसंद है, लेकिन दोनों का जो लुक है ना, अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। तो आप लोग बताना किसका लुक ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर हम बात करते हैं दोनों के कीमत के बारे में, तो आपको एक्सट्रीम 125cc की प्राइस आपको पता है, फिर भी हम बता देते हैं। तो एक्सट्रीम 125cc का जो प्राइस है ना, टॉप मॉडल और बेस मॉडल दोनों की प्राइस बता देते हैं। तो जो बेस मॉडल की एक्सट्रीम प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 95,000, और इसका जो टॉप मॉडल पड़ेगा वो लगभग आपको 1,800,000 रुपए में देखने को मिल जाएगी। तो गाइज, ये एक्सट्रीम प्राइस है। और अगर हम एक्सट्रीम के बाद आते हैं एन 125cc पे, तो इसका जो प्राइस, मतलब लोग गेस कर रहे हैं ना, लगभग 90,000 से 1,00,000 के बीच में आपको दोनों मॉडल का एक्सट्रीम प्राइस देखने को मिलने वाली। तो गाइज, प्राइस तो क्या कहते हैं, नो डाउट एन 125cc का कम होने वाला है, आप लोग क्लियर रहिएगा। और अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, तो एक्सट्रीम 125cc का जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है टॉप मॉडल टू बेस मॉडल, तो बेस मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है वो पड़ रहा है 1,13,000, और जो टॉप मॉडल की ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो लगभग आपको पड़ेगा 1,19,000 रुपए। और इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा एन 125cc का ना, बेस मॉडल टू टॉप मॉडल, लगभग आप मान के लिए 1,10,000 से 1,18,000 के बीच में आपको ये बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगी, बेस टू टॉप मॉडल। तो गाइज, इसका जो प्राइस है ना, देखते हैं शोरूम पे आने पे कितना पड़ जाता है। अभी तक इसका जो प्राइस है ना, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला, इसके अंदर ही रहने वाला है। तो गाइज, ये तो हो गए इसके प्राइस की बात। अब बात करते हैं वेरिएंट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एन 125cc के वेरिएंट के बारे में, तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिलता है। पहला मिलता है बीटी वेरिएंट, दूसरा मिलता है नॉन बीटी वेरिएंट। दोनों में आपको क्या डिफरेंट है वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। तो अगर आप लोग बीटी वेरिएंट लेते हैं, तो उसमें आपको ISG टेक्नोलॉजी मिल जाती है, विद किक स्टार्ट मिल जाएगा, और बेस मॉडल में आपको सेल प्लस किक मिलेगा। इसका जो कहते हैं मीटर कंसोल है ना, वो बिग साइज में मिलती है, फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाती है, और बेस मॉडल में थोड़ा सा छोटा LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और टॉप मॉडल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, बेस मॉडल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। और साथ ही साथ टॉप मॉडल का जो टायर है ना, रियर वाला, वो थोड़ा सा चौड़ा मिलेगा, बेस मॉडल में थोड़ा सा पतला मिलेगा। तो गाइज, ये थे डिफरेंट जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं एक्सट्रीम के ऊपर कि एक्सट्रीम 125 में कितने वेरिएंट आते हैं। तो इसमें भी आपको दो वेरिएंट मिलता है, पहला मिलता है IBS वेरिएंट, दूसरा मिलता है ABS वेरिएंट। तो गाइज, आपको एक चीज बता दें, दोनों में आपको जो डिफरेंट मिलता है
मिलता है ना केवल IBS और ABS का मिलता है, फीचर्स वाइज दोनों सेम देखने को मिलते हैं। तो गाइज ये तो हो गए इनके वेरिएंट की बात, अब आते हैं कलर ऑप्शन के बारे में। तो अगर हम एक्सट्रीम 125cc कलर के ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें आपको तीन कलर मिलते हैं। पहला मिलता है ब्लू कलर, दूसरा रेड कलर, तीसरा ब्लैक कलर। इसमें केवल तीन कलर ऑप्शन मिलता है। लेकिन वहीं आते हैं पल्सर N125cc में तो इसमें भर भर के कलर ऑप्शन मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो टॉप मॉडल आता है ना इसमें तीन कलर मिलते हैं, इबोनी ब्लैक, दूसरा प्यूटर ग्रे, तीसरा इबोनी ब्लैक पर्ल फेरी के साथ। और जो नेक्स्ट जो आता है ना बेस मॉडल, इसमें आपको चार कलर मिलते हैं, पर्ल मेटालिक व्हाइट कलर, इबोनी ब्लैक कलर, कॉकटेल वाइन रेड कलर, नेक्स्ट मिलता है ब्लू कलर। तो गाइज जो N125cc है ना इसमें आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं। तो कलर ऑप्शन का जो वेरिएंट है ना N125cc ज्यादा बेस्ट मिलने वाला है। अगर आप लोग कलर को चॉइस ज्यादा चाहते हैं तो आप लोग N125cc के साथ जा सकते हैं। तो गाइज ये तो हो गए कलर और लुक की बात, प्राइस की बात, अब आते हैं थोड़ा सा फीचर्स डिफरेंट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम इंजन की बात करते हैं तो अगर हम N125cc के इंजन की बात करते हैं तो आपको एक चीज बता दें, कंपनी ये दावा कर रही है ना कि ये 125cc की फास्टेस्ट बाइक है, क्योंकि आपको एक चीज बता दें इसका जो मैक्स पावर मिलता है ना अभी तक रेडर 125cc का ज्यादा मिलता था, लेकिन उसको भी N125cc ने बीट कर दिया है। क्योंकि इसका जो मैक्स पावर निकल के आ रहा है ना, उससे पहले हम आपको इसका इंजन बता देते हैं। इसमें आपको जो इंजन लगाया गया वो लगाया गया 124.56cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल BS6 फेज 2 इंजन OBD2 सेंसर मिल जाता है। जो मैक्स पावर मिल रहा है गाइस 12 PS का मिल रहा है 8500 RPM पे। अभी तक जो रेडर का जो पावर मिलता था ना वो आपको 11.38 PS का मिलता था, लेकिन अब इसका जो पावर है ना 12 PS का मिल रहा है। तो पावर के मामले में इस बाइक को मतलब कोई बीट नहीं कर सकता इस समय, क्योंकि N125cc का जो पावर है ना एक नंबर मिलने वाला है। और अगर हम बात करते हैं टॉर्क के बारे में तो इसका जो टॉर्क मिलेगा ना लगभग आप मान के चलिए 11 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाती है। और अगर हम आते हैं एक्सट्रीम के ऊपर तो गाइज एक्सट्रीम का जो इंजन मिलता है वॉक मिलता है 124.7cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 फेज 2 इंजन OBD2 सेंसर। मैक्स पावर आपको मिलता है 11.4 PS का 8250 RPM पे। तो गाइज इसका जो पावर है ना नो डाउट N125cc कम मिलने वाला है। और इसका जो टॉर्क मिलेगा वो मिलता है 10.5 Nm का 6500 RPM पे। तो जो टॉप स्पीड मिलेगा ना N125cc में ज्यादा देखने मिलने वाले। तो अगर आप लोग को ज्यादा पावर चाहिए तो आप लोग N125cc के साथ जा सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम पे आते हैं तो आपको बता दें कि अगर आप लोग एक्सट्रीम का टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 276mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है विद ABS चेन के साथ। लेकिन अगर आप लोग बेस मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 240mm का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है विद IBS सिस्टम के साथ। और इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वो मिलता है 130mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट। वहीं आते हैं N125cc में तो गाइज N125cc में दोनों वेरिएंट में आपको फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है विद CBS सिस्टम के साथ। तो गाइज कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें मिलता है। लेकिन जो अगर टॉप मॉडल देखते हैं ना एक्सट्रीम का, इसमें ABS मिल रही है और इस सेगमेंट की ये पहली बाइक है जिसमें ABS मिल रही है अगर हम ड्यूक 125 को साइड कर देते हैं तो गाइज इसमें ABS मिल जाता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम नो डाउट एक्सट्रीम 125cc में आपको ज्यादा बेस्ट मिलने वाली है, क्योंकि डिस्प्ले का साइड भी बड़ा है, ABS का ऑप्शन भी मिला है। तो अगर आप ABS मॉडल पे जाते हैं ना तो ब्रेकिंग अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग IBS मॉडल में जाते हैं ना तो ब्रेकिंग सिस्टम नो डाउट दोनों का सेम मिलने वाला है। टायर साइज की बात करते हैं तो अगर हम रियर टायर की बात करते हैं तो N125cc का जो रियर टायर मिलता है ना टॉप मॉडल में वो मिलेगा 110/80/17 का ट्यूबलेस टायर, बेस मॉडल में 100/90/17 का टायर देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोग एक्सट्रीम में आते हैं तो एक्सट्रीम का जो टॉप मॉडल का जो कहते हैं रियर जो टायर मिलेगा वो आपको मिल रहा है 120/80/17 का टायर देखने को मिल रही है। तो गाइज जो टायर साइज है ना एक्सट्रीम का ज्यादा वाइडर मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें बेस मॉडल लीजिए या फिर टॉप मॉडल लीजिए दोनों में रियर टायर आपको 120/80/17 का टायर देखने को मिल जाते हैं। तो टायर साइज जो है ना एक्सट्रीम में आपको रियर में ज्यादा बेस्ट मिलेगी। तो गाइज ये तो हो गए टायर साइज की बात। सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन दोनों में लगभग सेम मिलता है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। अब आते हैं हेडलैम्प के ऊपर। तो गाइज एक चीज आपको बता दें, अगर आप लोग N125cc का हेडलैम्प देख पा रहे होंगे ना तो इसका जो हेडलैम्प मिलता है वो आपको LED हेडलैम्प मिल जाती है विद DRL के साथ। लेकिन इसका जो हेडलैम्प मिलता है ना देखने में मतलब थोड़ा सा शार्पनेस वाला मिलता है। तो अगर आप लोग को कहता मतलब शार्पनेस वाली लुक चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट लुक चाहिए, आप लोग पल्सर लवर है तो आप लोग इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक्सट्रीम की तरफ आते हैं ना तो गाइज इस बाइक में 125cc की ये पहली बाइक है
जिसमें आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है विद डीआरएल के साथ, और इसका जो लुक है ना देखने में काफी आई कैचिंग लगता है। तो आप लोग बताना किसका लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है। टेल लाइट दोनों में आपको एलईडी मिल जाती है, लेकिन टर्न इंडिकेटर पे आते हैं तो फिर से एक्सट्रीम 125 बीट करती है N125 को, क्योंकि टर्न इंडिकेटर एलईडी मिल जाता है एक्सट्रीम 125 में विद हैजार्ड लाइट के साथ, लेकिन N125 में बल्ब इंडिकेटर मिलता है नॉन हैजार्ड लाइट के साथ। तो गाइज N125 में बल्ब मिलता है, एक्सट्रीम 125 में एलईडी मिल जाता है विद हैजार्ड लाइट के साथ। तो गाइज ये थे दोनों बाइकों के डिफरेंट जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं मीटर डिस्प्ले के बारे में, यानी कि मीटर के बारे में। तो आपको बता दें कि अगर आप लोग N125 का बेस मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको स्मॉल डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको मीटर कंसोल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती, बाकी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको फुल्ली डिस्प्ले मिल जाती है, जो ज्यादा बड़ा लगता है देखने में, और साथ ही साथ उसमें आपको कॉल एसएमएस सिस्टम, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी देख मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोग एक्सट्रीम में आते हैं ना, तो एक्सट्रीम में सभी वेरिएंट में बेस लीजिए, टॉप लीजिए, सभी में सेम मीटर कंसोल, सेम फीचर्स मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एसएमएस कॉल सिस्टम मिल जाता है, नोटिफिकेशन सिस्टम मिल जाता है। यही थे दोनों बाइकों के डिफरेंट जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं अपने ओपिनियन के बारे में कि कौन सी बाइक के साथ जाना चाहिए। तो आपको एक चीज बता दें, अगर आप लोग पल्सर लवर हैं, बजाज की बाइक पसंद करते हैं और आप लोग को कम कीमत में ज्यादा पावर चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि N125 का जो कर्वेट है ना, आई थिंक इस सेगमेंट की सबसे हल्की बाइक है, इसे बोल सकते हैं, क्योंकि 125 केजी की इसकी कर्वेट देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस 198 mm का, सीट हाइट 795 mm का, व्हील बेस 1295 mm का देखने को मिल रही है। तो गाइस कर्वेट ज्यादा नहीं है तो इसमें आपको जो हल्का फील होगा, लेकिन पावर ज्यादा है तो टॉप स्पीड ज्यादा मिलेगा। और अगर हम आते हैं एक्सट्रीम के बारे में कि एक्सट्रीम को क्यों लेना चाहिए, तो आपको बता दें अगर आप लोग को एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लैम्प, एलईडी टर्न इंडिकेटर, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल, अगर आप लोग टॉप मॉडल लेते हैं एबीएस वेरिएंट, तो आप लोग एक्सट्रीम के साथ जा सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो अगर आप लोग को सेफ्टी अच्छा चाहिए, फीचर्स ज्यादा चाहिए और आप लोग को लुक थोड़ा सा आई कैचिंग चाहिए, तो आप लोग एक्सट्रीम 125 के साथ जा सकते हैं। तो गाइज ये थे दोनों के डिफरेंट जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग बताना कि दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस अगर आप लोग को अच्छी लगी वीडियो, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर दीजिएगा। कोई डाउट है, कोई सवाल करना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के ध्यान रखिए, हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।